वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बड़े हों। आज हमारा है जयपुर में थर्ड डे। आज हम जा रहे हैं हवा महल, जिसमें बहुत सारी खिड़कियां ही खिड़कियां हैं। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि इसकी टिकट कितने की है और ये अंदर से देखने में कैसा और कितने सस्ते में टिकट हमें कैसे मिलेगी, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। चले चलते हैं। सो गाइस, अब हमने टिकट ले लिया हवा महल की और यहाँ से पर पर्सन 20 रुपये और जो स्टूडेंट है उनके लिए 20 रुपये, बाकी अदर से पर पर्सन 50 रुपीज़। यहाँ हो रहा है कोई प्रोग्राम। ये जो हवा महल है इसमें ऐसी ऐसी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं 600 पूरे के पूरे महल में, क्योंकि अगर रानी ने अपने राजा को कहा था कि अगर मुझे पूरे शहर देखना होता था तो मैं देख नहीं पाती थी, इसलिए राजा ने उसके लिए 600 खिड़कियां बनवा दी इस महल में, ताकि वो कहीं भी चाहे तो पूरे जयपुर में देख सकती थी किसी भी खिड़की को खोलकर। इसलिए इसको हवा महल कहते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ से इन खिड़कियों में से हवा आती है। ऊपर का व्यू और यहाँ चल चुका है फाउंटेन, और सामने की तरफ दिखाई दे रहा है हमें जंतर मंतर और वो फोर्ट है एक दूर। तो वो देखिए गाइस, वो है टैटू कैफे और एक और है विंड व्यू कैफे। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो हवा महल का बहुत ही अच्छा व्यू कैप्चर होगा और आपकी फोटो भी वहाँ से बहुत अच्छी आएगी। इसके साथ ही हमारा थर्ड डे का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने हमारी दो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट और सेकंड तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो भी जाके देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोज़ बनाई हैं हमने। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे फॉर मोर वीडियोज़।